तो इस टॉपिक के अंदर हमने प्रीवियसली जो है लोकेशनल लोकेशन प्लान अपना कवर किया है तो इस टॉपिक के अंदर हम फॉर्मली अपना हाउस प्लान जो है ग्राउंड फ्लोर जिसका क्योंकि उसका ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर भी हो सकता है इसमें हम ग्राउंड फ्लोर डिज़ाइन करने जा रहे हैं अगेन uh, जिस तरह आपको uh, कुछ रिकमेंडेड गाइडलाइंस थी स्टेप्स थे जो फॉलो करने होते हैं सबसे पहले जब भी आपने हमने घर डिज़ाइन करना होगा या इवन कोई कमर्शल प्लाजा डिज़ाइन करना है किसी भी तरह के कोई डिजाइनिंग है, उससे पहले ग्राफ पेपर के ऊपर हम ट्राई करेंगे कि हम सारी चीज़ को स्केच कर लें ग्राफ पेपर पर जब हम क्लियर होंगे कि ये हमने ड्राइंग एग्जैक्टली exactly बनानी है उसी ड्राइंग को हम आगे लेकर ट्रांसफ़र करेंगे अपने डिजिटल यानी ऑटो कैड के अंदर कभी भी ऐसा नहीं करेंगे हम कि हम डायरेक्टली जाके कैड के अंदर वर्क कर रहे हैं और हमें कोई आइडिया नहीं है स्पेस का हमें कोई आइडिया नहीं है कमरों का हमें किस नहीं आइडिया कि हमने बाथरूम तो वहाँ जाके आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा बार बार चीज़ें रिमूव करनी पड़ेंगी चीज़ें डिलीट करनी पड़ेंगी तो प्रेफरेबली जो हमारा ऑप्शन होगा जैसे ही हमने आप लोकेशन प्लान बना लिया इसका मतलब है कि अगर हम अपने आप को सपोज करें कि हम साइट देख के आ गए और हमने एग्जैक्ट देख लिया है कि यहाँ पे घर है उस घर के सामने जो है वो से uh, रोड uh, गुजर रही है उस घर के जो है वो ईस्ट वेस्ट अब उस लोकेशन प्लान के अंदर या ओवरऑल जब हम फाइनल प्लान कर रहे होंगे उसके अंदर हम जाके ऐड भी कर सकते हैं हम अपने डायरेक्शनल साइन भी ऐड कर देंगे पर्टिकुलरली नार्थ को हम मैंशन करेंगे कि दिस इज़ एक्चुअली नार्थ तो uh, अब हम विजिट करके आ गए हैं साइट का अब हमने सबसे पहले इसको स्केच करना है नॉर्मली साइट पे जाते हैं जब हम तो उस वक्त क्या किया जाता है कि हमारे पास एक वाइट पेज मौजूद है हमने डायमेंशन डायरेक्शन वगैरह नोट कर ली हैं कि ईस्ट साइड पर इसकी डायमेंशन क्या हैं वेस्ट और इसके इर्द गिर्द क्या है और नॉर्थ डायरेक्शन भी लेकिन अब जब हम वापस आए हैं तो अब उन डायमेंशन क्योंकि ओवरऑल हमारे पास ब्रॉडर पिक्चर तो आ चुकी है लेकिन विद इन दैट पिक्चर अब हम अपनी डिटेलिंग करेंगे कि हमने वन बाय वन आगे क्या करना है तो उसके लिए प्रेफरेबली हम ग्राफ पेपर इसलिए इस्तेमाल करते हैं ग्राफ पेपर में ऑलरेडी एक्स और वाई एक्सेस पे लाइंस लगी होती हैं तो वो ज़रा हमारी कैलकुलेशंस बहुत आसान हो जाती हैं कि हम बेडरूम देना चाह रहे हैं दस बाय बारह का तो हमारे लिए ग्राफ के एग्जैक्ट हम वो काउंट करके खाने एक दो तीन चार पाँच छः यहाँ तक अच्छा बारह बन रहा है तो एक बहुत परफेक्ट हमारी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ड्राइंग जब बन जाएगी उस ड्राइंग को जब हम शोड़ हैं कि ये हमारी ड्राइंग ठीक है सपोज़ आपकी डिस्कशंस भी हो गई हैं क्लाइंट के साथ या आप अपना घर है आप बना रहे हैं या आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जब हम लगेगा कि नाउ दिस इज़ एक्चुअली ओके क्योंकि अभी हम डायरेक्ट तो में प्रोजेक्ट नहीं मिलने वाले तो इस असाइनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में जो मैंने आपको भी देनी है आपने ख़ुद से एक जो घर डिज़ाइन करना है उस घर में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप ख़ुद से बनाएंगे कि इतने कमरे चाहिए कहाँ कहाँ दे सकते हैं तो जैसे ही हमारे ये चीज़ें कंप्लीट होंगी तो हम फॉर्मल फॉर्मली कैड की तरफ बढ़ेंगे तो अब हम बढ़ते हैं ऑटो कैड की तरफ और अपना जो ग्राउंड फ्लोर प्लान का पहला लेक्चर है उसको जाकर देखते हैं कि किस तरह हम ग्राउंड फ्लोर ऑटो कैड के अंदर प्लान कर सकते हैं ये हमारी ड्राइंग जिसको हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में कंप्लीट किया है दैट वाज द हाउस प्लान नाम था ड्राइंग का और हमने लोकेशन प्लान बना के ब्लॉक बना के सेव किया है सो so अब हम अपने जो ग्राउंड फ्लोर है फाइव मरला हाउस का उसका जो फर्स्ट टॉपिक का टाइटल है जिस तरह हमने एक्सप्लन किया उसको हम ड्रा करने जा रहे हैं डिज़ाइन करने जा रहे हैं बनाने जा रहे हैं सो so, जिस तरह हमें आइडिया है हम प्लॉट डायमेंशन ऑलरेडी देख चुके हैं और हमें बहुत क्लैरिटी के साथ पता है कि फाइव मरला हाउस जो है उसकी जो डायमेंशनज होती हैं वो हमारी ट्वेंटी फाइव बाई फोर्टी फाइव होती हैं सो so, हम यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं हमारे पास दो ऑप्शन है ड्रा करने के एक मैं वो वाला ऑप्शन भी देख लेता हूँ एक ऑप्शन तो ये है कि ट्वेंटी फाइव बाई फोर्टी फाइव है तो सबसे पहले मैं एक ट्वेंटी फाइव क्योंकि पहली हमारी एक्स डायमेंशन होती है मैं ट्वेंटी फाइव की लाइन लगाऊँ फिर ओ एंटर ओ मीन्स ऑफ सेट इसको मैं ऑफसेट दे दूँ फोर्टी का क्योंकि वर्टिकल फोर्टी है और इसको मैं यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ कम्प्लीट करूँ और दैन अगेन हम मैं इसको यहाँ से यहाँ सो so, ये यह मेरे पास एक ऑप्शन है इसको बनाने का इसके साथ पैरल जो आसान ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पे रेक्टेंगल है इरेगुलर शेप तो है नहीं इसकी सो so, वायनाट के हम डायरेक्टली जो है 25 फ़ीट कॉमा 45 फीट और एंटर सो ये हमारे पास दोनों तरह की शेप्स अब ये फिलहाल जो है ये एक एज अ बाउंड्री लेकर आया होगा डायरेक्ट एक ही ऑब्जेक्ट है और ये हमने क्योंकि चार लगाई हैं सो so, ये डिपेंडिंग uh, अपॉन जिस ऑप्शन को आप पिक करना चाह रहे हैं फर्ज करें हम इस ऑप्शन में वर्क करना चाह रहे हैं सो so, हम इसको एंटर कर देते हैं uh, इसको सेलेक्ट करके एक्स एंटर ताकि ये एक्सप्लोर्ड हो जाए और अब हम इस पर वर्क कर सकें सो so, हमने बाउंड्री ड्रा की है अब सेकेंड जो हमारा कंपोनेंट है वो है मैंडेटरी ओपन स्पेसिस छोड़ने का तो आप अगर रेफ़र बैक करें जिस टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था कि हमारे नॉर्मली हम घर दो तरह के एरियाज़ में बना रहे होते हैं या तो हमारा इस्टेबलिश बिल्टअप एरिया होता है जो अनप्लैंड नॉर्मली जैसे हम कह हमारे एरियाज पच्चीस साल से जहाँ पर ऑलरेडी घर बने हों और एक हमारे पास प्लान हाउसिंग स्कीम्स हैं दोनों में स्लाइटली वेरिएशन थी मैंडेटरी ओपन स्पेसिस में तो अगर आप दोबारा उस स्लाइड में जाके मैं उस स्लाइड में नहीं जा रहा हम आगे ही मूव करेंगे तो वहाँ पे अगर आप नोट करें तो पाँच मरला का जो प्लाट था उसमें हमने फाइव फीट फ्रंट से स्पेस देनी है छोड़नी है जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन हम नहीं करेंगे और फाइव फीट हम रियर साइड जिसको बैक साइड भी कहा जाता है तो अब बाउंड्री लगाने के बाद जो सेकंड स्टेप हम करेंगे हम इंश्योर करेंगे अपनी मैंडेटरी ओपन स्पेसेस क्योंकि वो स्पेसेस जो हैं उनमें हमें कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं होती सो so, ये मेरे पास मेरी कंप्लीट बाउंड्री है अब इससे पहले मैं यहाँ पे अपनी लेयर एल ले ए करके क्रिएट कर लेता हूँ और हम लेयर जो है सबसे पहले बना लेते हैं जो हमारी बाउंड्री वॉल जो हमने अभी ड्रा की है इसको हम अपनी लेयर में रख लेते हैं फिलहाल ये ले लेआउट वाली लेयर में जा रहा है तो हम इसको अपनी लेयर इसका कलर और इसके साथ हम एक और लेयर क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम हम इंटीरियर वॉल्स रखते हैं अब इसके बाद की जो अंदर की दीवारें होंगी वो हम सारे इस लेयर में बना लेंगे मैं इसको ऑन uh, कर लेता हूँ ये ऑलरेडी ये ये बाउंड्री है तो इसको यहाँ से करंट बना लेते हैं सो ये सारा कुछ हम जो जो भी हमने बनाया है ये सिलेक्ट करके हमने ऑलरेडी ये कवर किया हुआ है कि अगर आपने एक लेयर से दूसरी लेयर में चीज़ें लेके जानी हो तो सिंपल हमने सिलेक्शन की और बाउंड्री वॉल तो अब मेरा ये वाला काम जो है ये बाउंड्री वॉल के लेयर के अंदर है इसको फ़िलहाल ये जो हमने बनाई थी ये हम डिलीट कर देते हैं सो ये मेरे पास जो है बाउंड्री वॉल है यहाँ से मेरी रोड गुजर रही है सेम ये मेरी फ्रंट साइड है और ये रे जिस ऑलरेडी लोकेशन प्लान बना चुके हैं सो अब हम यहाँ से इंटीरियर वॉल्स वाली लेयर ऑन कर लेते हैं तीन चार मेथड ऑन करने के हैं यहाँ से डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से क्लिक कर सकते हैं या एल ए के साथ हम जाके उसको करंट लेयर उसी में काम होता है करंट लेयर मीन्स जिसमें हम काम कर रहे हो सो so, अब मैं ओ एंटर ओ जो है ये हमारा ऑफसेट है सो फाइव फीट एंटर करते हैं हम फाइव फीट हमने देनी है स्टार्ट और फाइव फीट हमने देनी है बैक साइड से तो so, ये बैक साइड या इसको रियर साइड कहते हैं अब एक्चुअली ये है मेरा जो एरिया है जिसके अंदर मैंने कंस्ट्रक्शन करनी है इस एरिया के अंदर अगर आप दोबारा रूल्स में जाएं और एक जो हमने टॉपिक कवर किया था उसमें अगर आप जाकर देखें जो जो हमने रेजिडेंशियल साइट रिक्वायरमेंट्स देखी थी वहाँ पे ये था कि ये जो बैक साइड वाली जगह है इसके अंदर मुझे अथॉरिटी अलाउ करती है कि मैं आठ फ़ीट हाइट के ऊपर आठ फीट से ज़्यादा हाइट ना हो और मैं फोर्टी स्क्वेयर फीट जगह कवर कर सकता हूँ ये जो बैक साइड मेरे पास स्पेस है इसका मतलब है कि फोटी स्क्वायर फीट का मतलब क्या हुआ पाँच हज़ार आठ अगर आप पाँच ले रहे हैं फॉर एग्जांपल वर्टिकल तो आठ हॉरिजेंटल और आठ फीट हाइट और स्टार्ट में जो मेरे पास स्पेस है कौन से वाली सेट ये जो मैंने लीव की है इसके अंदर मैं कंस्ट्रक्शन तो कोई नहीं कर सकता लेकिन यहाँ पर मैं कार पोर्च क्योंकि कार पोर्च के लिए नॉर्मली हम शटरिंग भी दे रहे होते हैं तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ही बट कार पोर्च के लिए मैं अगर मैंने इस साइड पे गाड़ी खड़ी करनी है या इस साइड पे तो मुझे अलाउ है अथॉरिटी की तरफ से कि मैं इसको, इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ अब मेरे पास ये स्पेस है बैक साइड से अब मैं डी आई अच्छा बार बार आपने डी आई कमांड का इस्तेमाल लाजमी करते रहना है डी आई डिस्टेंस है ताकि हमें आइडिया होता रहे कि हमारी अब स्पेस अब मेरे पास थर्टी फाइव जो है वो वर्टिकल है और ट्वेंटी फाइव हॉरिजेंटल जिसके अंदर मैंने प्लानिंग करनी है अब मेरे पास ये ऑलरेडी स्केचिंग हुई हुई है आपके पास आपने भी इसकी स्केचिंग कर लेनी है अब आपके लिए आसान होगा यहाँ पे काम आपको असिस्ट करेगा आपका ग्राफ पेपर जिसकी हम बात कर रहे थे ऑलरेडी आपके पास ग्राफ पेपर पे क्लैरिटी है अब मैंने ऊपर से अगर कर स्टार्ट करना है तो मैंने कितने फीट का कौन सा रूम देना है उसका साइज़ क्या होगा मेरे पास भी ऑलरेडी ये ड्राइंग जो है वो ग्राफ पेपर पर पे बनी हुई है तो बहुत ही आसान हो जाएगा अब ये मेरे पास जो है वो स्ट्रक्चर है अब अगर आपको याद हो मैं रेफर करूं तो हमने बात की थी लोड बेरिंग और नॉन लोड बेरिंग वॉल्स तो अब ये जो मेरी वॉल है और मेरी जो ये वॉल है और ये जो चाह क्योंकि साइड से तो मैंने स्पेस छोड़नी नहीं तो अब एक्चुअली ये जो है हमारी ये सारी वॉल्स लोड बियरिंग है इनके ऊपर स्लैब्स आएंगी इनके ऊपर कमरे बनेंगे इनके ऊपर हमारे बीम्स बनेंगी सो so, अगर आप दोबारा रेफर बैक टू तो लेक्चर ओ एंटर तो हमारी जो लोड बेरिंग वॉल थी उनकी थिकनेस नाइन इंच होती है सो so, मैं नाइन और अंदर देनी है क्योंकि बाहर तो हमें अथॉरिटी अलाउ नहीं कर रही ये फाइव फीट हमने क्लियर स्पेस छोड़नी है तो so, अंदर आपने नाइन इंच इधर और नाइन इंच इधर सो so, नाइन इंच आपने इनर साइड आउटर साइड हम नहीं देंगे और हम दोबारा एग्जैक्टली मैर भी कर लेते हैं डी आई डी आई कमांड बार बार हम लगाते रहेंगे बार बार हम अपने डिस्टेंसेज तो एग्जैक्टली फाइव फ़ीट अथॉरिटी की या जो टी एम जो भी हमारी कंसर्न इदारा है उसकी हम रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं और इधर आएँ तो ये भी पाँच तो पाँच फुट हमारा दोनों साइड से हमने छोड़ दिए अब ये मेरे पास ये जगह है और हम अगर चाहें तो ये हमारी ये भी लोड बेरिंग वॉल्स हैं इनको भी हम नाइन और अगर कोई नॉन लोड बेरिंग वॉल आई तो उसे फोर पॉइंट फाइव अब हमने अब ये मेरे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें मेरे पास ओवरऑल साइज था ये मेरी इस तरफ से अब मैं एंट्रेंस या तो यहाँ से बनाऊंगा गेट दूंगा मेन गेट या यहाँ से दूंगा अब ये स्ट्रक्चर मेरे पास बन चुका है अब हमने फर्दर डिसीजन लेने हैं तो अब आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरफ से स्टार्ट लेना चाह रहे हैं आप बैक साइड से स्टार्ट करके आना चाह रहे हैं या आप फ्रंट साइड से तो अब अगर आपको याद हो तो हमारे पास जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं हमने पढ़ा था कि एक नॉर्मल गाड़ी के लिए जो है वो एट बाई सिक्सटीन जो है स्पेस अथॉरिटी रिक्वायर्ड कर रिक्वायर करते हैं और स्टैंडर्ड भी यही कहते हैं कि हमने आठ फीट जो है पहले हमेशा हमारी हॉरिजेंटल एक्सेक्सेस और बाकी जो है वो फिर हमारी वर्टिकल सोलह फीट तो आठ बाय सोलह फीट हमने एक गाड़ी के लिए जगह छोड़नी है तो हम स्टार्ट से ही इसको वर्क कर लेते हैं कि सबसे पहले तो हम अपनी कार की स्पेस को इंश्योर करें कि हमारी जो है वो जो गाड़ी की स्पेस है उसके लिए हमारे पास जगह हो सो मैं ऑफसेट की कमांड यहाँ पे लगा के ओ एंटर ये हमारा ऑफसेट है और हम यहाँ से 17 फीट की जो है वो ये लाइन लगा लेते हैं इसका मतलब है यहाँ तक तो हमारी गाड़ी एक साइड पे आएगी और इसके साथ हमें पता है कि 8 बाय सिक्सटीन है तो हमने सेवन सिक्सटीन की जगह 17 छोड़ दिया ताकि थोड़ी सी हमारे मार्जिन ज़्यादा हो अब हमने किसी भी साइड पे जो है वो आठ फीट जगह आठ फीट मिनिमम है अब मैं यहाँ पे दोबारा ओ एंटर और हम इसे ट्वेल्व कर देते हैं ताकि हमारे पास यहीं से हमने मूव करके गुजरना है तो ये हमारे पास जगह बन चुकी है गाड़ी की स्टैंडर्ड कहते हैं कि आपने सोलह इस तरफ और आठ इस तरफ तो हमने सत्रह इस तरफ छोड़ दी है और बारह इस तरफ स्पेस ताकि आराम से हमारी गाड़ी पार्क भी हो और यहीं से लोग गुजर के भी जाएँ अब हमारे पास कमांड है ट्रिम की टी आर डबल एंटर यह हमने ऑलरेडी इस्तेमाल की है सो so, अब हम कुछ डिलीशन कर लेते हैं इसको हम फिलहाल डिलीट कर देते हैं यहाँ से और ये क्योंकि मेरी कार पोर्च बनी है तो यहाँ पे दीवार नहीं आएगी इसको भी हम डिलीट कर देते हैं और फिलहाल हम इसको भी डिलीट कर देते हैं और ये हमारी बैक ये लाइन भी डिलीट हो जाएगी सो तो ये अब मेरे पास अगर स्ट्रक्चर जो नज़र आ रहा है इस स्ट्रक्चर में क्या है कि ये मेरा कार पोर्च है और जब हम एक घर के अंदर दाखिल होते हैं आपने अब इस टॉपिक के बाद दोबारा जब अपने घर में दाखिल होना है अगर आपका घर प्लैंड एरिया में है या आप किसी दोस्त के घर जाते हैं रिश्तेदार के घर तो आप नोट करेंगे कि जैसे ही आप एंटर हुए हैं घर के अंदर दरवाज़े से अंदर दाखिल हुए हैं तो दो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं ये टिपिकल डिज़ाइन के अंदर ऐसा ही होता है एक तरफ गाड़ी खड़ी होगी और उसके दूसरी बिल्कुल गाड़ी के साथ वाली जो साइड है वहाँ पर आपका ड्राइंग रूम होगा जहाँ पर आप जाके बैठ जाते हैं दोस्त के घर कोई टॉपिक डिस्कशन करने गए हैं या मिलने गए हैं आप तो अब हमारे पास भी एग्जैक्टली अब कार पोर्च का तो क्योंकि वो पाँच फीट जो हमने स्पेस छोड़ी थी क्योंकि कार पोर्च नॉर्मली क्या होता है कि आप थोड़ी थोड़ी सी हम कंस्ट्रक्शन कर देते हैं या बाज़ा शटर भी लगाया होता है तो शटर जब हम कुछ लगा लेते हैं बाजाओक तो वो हमारा जो है वो काउंट नहीं होता एफ कवर्ड एरिया के अंदर या बाजू ऐसा भी होता है कि आप घरों के अंदर जाते हैं तो आप देखते हैं कि गाड़ी अंदर दाखिल हुई हुई है उसके पहले जो बाउंड्री वाल से पाँच फीट है वहाँ पे कुछ भी नहीं है गाड़ी थोड़ी सी आपको बैक साइड में नजर आ रही होती है और उससे आगे जो है उसने अपनी कंस्ट्रक्शन की होती है तो गाड़ी अंदर नज़र आ रही होती है यानी गाड़ी का काफ़ी सारा हिस्सा जो है वो बारह फीट अंदर है और चार पाँच फीट पीछे नजर आ रहे हैं बैक साइड में क्यों हम नहीं कंस्ट्रक्ट कर, कर सकते है? क्योंकि वो हमारी आ, स्पेस है मैंडेटरी ओपन स्पेस जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते सो अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो कुछ ऐसा है कि ये हमारा जो है वो कारपोर्स है इस जगह को अथॉरिटी हमें कह रही है कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे आप कोई छत नहीं बना सकते तो क्योंकि गाड़ी अगर हम चाहें तो हम यहाँ से कोई वॉल बना भी दें अगर गाड़ी का कमरा बना दें तो कुछ जो हमारा पोर्शन है वो गाड़ी का बाहर रहेगा जिसके ऊपर आपको अथॉरिटी इजाज़त नहीं देती आप कुछ बनाएं लेकिन ये स्पेस जो है अब यहाँ पर मैं ड्राॅइंग रूम नहीं बना सकता क्योंकि ड्राॅइंग रूम जो है वो कवर्ड स्पेस है ड्राॅइंग रूम के लिए कमरा बनेगा उसकी छत बनेगी उस छत के ऊपर उसका स्ट्रक्चर आएगा तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं ड्राइंग रूम को जो है वो स्टार्ट से शुरू करूं तो ड्राइंग रूम हमेशा हमारा पाँच फुट मैंडेटरी ओपन स्पेस जो छोड़नी है उसको छोड़ के स्टार्ट करेंगे लेकिन कारपोर्च के लिए जो है वो हम स्टार्ट से ही उसको इस्तेमाल करेंगे अब एक सवाल आता है कि कारपोर्च के लिए स्टार्ट से ही क्यों तो मैं आपको यहाँ से क्लियर करता हूँ कि फ़र्ज़ करें अगर मैं कारपोर्च के लिए भी ये पाँच फ़ुट स्पेस ये फाइव फ़ीट यहाँ तक थी और हम यहाँ से अगर सत्रह फीट की लाइन लगाएं हम कहते हैं ठीक है कार के लिए भी हम पाँच फ़ीट छोड़ते हैं और सत्रह जो हमारे पास एट बाई सिक्सटीन फीट था तो सत्रह हम लगा लेते हैं तो आप जस्ट इमेजन के ये बहुत छोटा सा मेरे पास स्ट्रक्चर बचा है तो इस वजह से अथॉरिटी ने रिलैक्सेशन दी हुई है कि ठीक है आप ये पाँच फीट जो है वो कार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कंट्रोल जी कर लेते हैं वापस आ जाते हैं तो अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा बन चुका है कि हमें एक आइडिया हो गया है कि ये कारपोर्च है ये हमारा ड्राइंग रूम कुछ बनेगा इसके अलावा अब इसके अंदर हमने बाकी डिसीजन जो हैं वो कम्प्लीट करने हैं कि हम कहाँ पर अपना किचन देंगे कहाँ पे बेडरूम आएगा लिविंग रूम आएगा हमारी जो सीढ़ियाँ जहाँ से हम ऊपर अगर फर्स्ट फ्लोर पे जाना चाहें सो so मेनली इसके अंदर हमने क्या किया है हमने अपनी बाउंड्री लाइन दो है दो तरीकों से ड्रा कर सकते हैं वो की हमने उसे एक्सप्लोर कर लिया हमने मैंडेटरी ओपन स्पेसिस छोड़ी पाँच फुट इस एक तरफ पाँच फुट एक तरफ फिर हमने एक कॉन्सेप्ट दिया कि लोड बेयरिंग और नॉन लोड बेयरिंग वॉल तो ये हमारी क्योंकि इसके ऊपर स्लैब्स आएंगी तो हमने नाइन इंचज का ऑफसेट दिया यहाँ पे हमने सत्रह फीट बाय ट्वेल्व बारह और सत्रह फीट की कार पोर्स के लिए जगह दी और ये हमारे पास अभी एक ड्राइंग रूम बनने जा रहा है हम एक काम लास्ट इस टॉपिक में जो है कर लेते हैं नेक्स्ट टाइम अगले में कंप्लीट करेंगे हम ओ एंटर और नाइन फीट का क्योंकि हमें पता है लोड बेरिंग वाल है अंदर करके हम इसे ऑफसेट दे देते हैं तो ये अब हमारे पास ये भी नौ फुट की दीवार है ये भी नौ फुट की इसको भी हम नौ फुट का ही बनाएंगे और इसको तो फिलहाल इस टॉपिक के अंदर हम यहां तक रखेंगे इसी सेम प्लेस से आगे जो है हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे सो आई होप कि जिस तरह हम uh, आहिस्ता आहिस्ता आगे मूव करते जाएंगे सो so, फाइनली जो है आफ्टर टॉपिक्स हम अपना जो है वो ग्राउंड फ्लोर जो है इस हाउस का है वो कम्प्लीट कर लेंगे इस टॉपिक के अंदर हमने uh, अपना हाउस प्लान जो है वो स्टार्ट बनाना uh, स्टार्ट किया है थोड़ी सी पेस हमारी स्लो रही है क्योंकि कुछ चीज़ें समझानी थी हमने अपनी बाउंड्री लगाई उसके बाद हमने मैंडेट्री ओपन स्पेसेस को इंश्योर किया और उसके बाद हमने डिसीजन किया कि हमारा कार पोर्च किस साइड पर आना चाहिए क्योंकि जिस साइड पर हमारा कार पोर्च आएगा उसी साइड पर हमारा मेन गेट बनेगा जिससे हम दाखिल होंगे मेन गाड़ी को एंटर करेंगे और इसके साथ हमने अपना ड्राइंग रूम जो है वो उसको बनाना स्टार्ट अभी इसके अंदर उसकी कुछ वॉल्स हमने कंप्लीट की हैं सो जो हमारा अनवर्ड जो है वन बाय वन हम मूव करते हुए सो आफ्टर सम फ्यू टॉपिक्स हम एक कंप्लीट अपना जो है वो ग्राउंड फ्लोर आप का प्लान मुकम्मल करेंगे और इस तरह हम प्रोजेक्ट को आगे लेकर चलेंगे